औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। कि आप लोग भी अपने जीवन में, और आज भी मुझे कभी डर नहीं लगता है। और आपको बता दूं, लोग कहते हैं परमात्मा की कोई शक्ति नहीं रहती है। एक बार उड़ीसा में शराबी बदमाश लोग तलवार बल्लम लेकर आ गए, लड़कों से कहा कि तुम हटो यहाँ से, अब बताइए हम लोग और वो हट जाएंगे। लाइट तक नहीं, जंगल था वो तो पूरा जंगल। हमने लड़कों से कहा कि तुम लोग थोड़े से दूर रहो, यदि ये लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आवाज़ तुम लोगों को दूंगी, नहीं तो तुम। और देखिए उसी, कभी कभी परीक्षा ऐसी होती, मिट्टी की छत थी, वो मिट्टी की पड़ जाती वो छत थी, और बारिश और आ गई और बिना मुड़ेर की छत थी, और तूफान आ गया। तूफान ऐसा आ गया कि जो तखत था वो भी पतले पाइप का था तो वो उड़ गया, फोल्डिंग था तो वो उड़ गया। हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हम वहाँ पांच लोग थे, पांचों दीदियाँ थे, दो दीदियाँ थी, हम तीन थे। हम आपस में पकड़ कर बैठे रहे और मैंने एक ही बात कही कि आज सुरक्षा होना चाहिए। और कैसे तूफान, भक्तांबर ही पढ़ा था, झूठ क्यों कहूँ, भक्तांबर के पांच काव्य हुए होंगे कि वो लड़के जो कह रहे थे मर्डर कर देंगे हटो, वो लड़कों से जाकर बोले, हमारे संघ के लड़कों से, कि मैया को नीचे बुला लो, बारिश हो रही है, वो नीचे नहीं उतरी, क्योंकि जीना नहीं था, नसैनी से तो हम चढ़े थे, तो वो ला लो। वो लड़के बोले मैया तो हमारे सामने आती नहीं है और तुम लोग हो तो वैसे भी मैया उतरेगी भी नहीं। तो वो लोग जो नीचे दुकान होगी उनकी कोई किराने की, उसकी चाबी देकर चले गए। और लड़के हमारे होशियार थे, उनने लिखवा लिया कि कुछ सामान गुम जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं। तो आप ध्यान रखना, आपसे भी यही कहूँगी कि जीवन में
कभी भी हौसला मत खोना, हौसलों के आगे हाथ से क्या मायना रखते हैं, हार जाते हैं। तो आपसे देखिए, ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत जीऊँ, परमात्मा से एक ही को प्रार्थना है कि मैं कभी इतनी मजबूर नहीं हो जाऊं कि तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकूं, और कभी इतना अहंकार नहीं आ जाए कि अपनी धरातल की आस्था की भूमि को भूल जाऊं। तो आप सबसे यही कहूंगी कि परमात्मा आपकी पुण्य प्रकृतियां आज भी आपके अंदर परिवर्तन लाएंगी, क्योंकि हमारा कर्म सिद्धांत कहता है जिस हमारे प्रशस्त भावनाएं होती हैं तो हमारे असाता की प्रकृतियां शिथिल हो जाती हैं, साता का प्रबल उदय आ जाता है। कि भक्ति में मेरी शक्ति रही तो वो 20 दिन बाद यहाँ लौट कर आएंगे, और वो 18 दिन बाद ऑपरेशन के बाद लौट कर आ गए। आपने कभी देखा हो उनकी बेटी बहुत बहुत अच्छी योग्य है, विदेश शादी जाती है, तो उसने ये बोला कि वो मंदिर में नहीं आती थी, तो उसने बोला कि मैं सोचती थी धर्म में कोई ताकत नहीं है, लेकिन अब पापा की रिपोर्ट पहले से बहुत बेहतर आई है, कम से कम जो किडनी थी 60% ठीक हो गई है, अब मुझे पता चला कि धर्म में कोई आस्था होती है। तो आप सबसे यही कहूँगी, देखिए आप मेरे से कभी उम्मीद नहीं करना, मैं किसी को जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अशुभ प्रकृतियों को जो दिन भर हम चिंता करते हैं निंदा करते हैं, इन सबसे बचिए। तो आप सबसे आप सबके जीवन की तकलीफ और अशांति भी दूर हो, मेरा यही सुभाषिश। वास्तव में जीवन में जितनी अशांति हो गई है, मंदिर बढ़ गए हैं लेकिन धर्म अंदरों से खत्म हो गया, लोग मंदिरों के नाम पर मूर्तियां और भगवान बहुत बना रहे हैं लेकिन इंसान भगवान बनने का रास्ता भूल गया है, पंच कल्याणकों के माध्यम से कल्याणक कर लेता है लेकिन अपना कल्याण का मार्ग भूल गया है, भगवान के हाथ जोड़ लेता है लेकिन इंसान से इंसान जुड़ना भूल गया है, भगवान के चरणों में जल चंदन अक्षत पुष्प चढ़ा देता है, बढ़िया से बढ़िया भी चढ़ा देता है लेकिन दिल को बढ़िया बनाने से चूक जाता है, अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा पाता है, हाथ जोड़ लेता है लेकिन अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता भूल गया है, 15 अगस्त 26 जनवरी पर ध्वज फहरा देते हैं, हम किसी को सुनाने के लिए मनाने के लिए कुछ सब मात्र हो गया है, जैसे बच्चे खेल खिलौनों में गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते थे और कैरम में राजा रानी आदि बोलते थे, लेकिन उसी प्रकार से जीवन एक ताश के पत्ते हो गया, कब आकर जहाँ जाता है वैसे ऊपर नीचे हो जाता है, और दुनिया की भीड़ ने धर्मात्माओं को आज बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, धर्मात्माओं की भीड़ नहीं दिखती है, धर्मात्माओं के प्रति सम्मान नहीं दिखता है, धर्मात्माओं की जयकार बोलकर हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, अपनी जय का रास्ता भूल जाते हैं। हमने उनकी जय क्यों बोली? क्योंकि दुनिया में लोग धन को महत्ता देते हैं जबकि धर्मात्मा धन को नहीं धर्म को महत्व देता है, लोग यहाँ सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता को पाना चाहते हैं जबकि धर्मात्मा व्यक्ति सत्य को पाना चाहता है, यहाँ लोग परमात्मा तीन लोक के नाथ जो सर्वज्ञ हैं हितोपदेशी हैं वीतरागी हैं उनके आगे भी गाली गलौज करने से नहीं झुकता है, कभी कभी जरा सी बात हो जाए लोग मंदिर में लड़ने लगते हैं, जिस दिन हमारे सच पूछो 14 का दिन होता है उस दिन भी लोग चुनाव कर लेते हैं, उस दिन भी झूठी कस्में खा लेते हैं, एक दूसरे के ऐब निकाल लेते हैं, फिर हमारे 10 लक्षण कैसे हुए? क्योंकि वास्तव में लोग कहते हैं कि अब धर्म नहीं रहा, अब तो मात्र दिखावा हो गया, मैं कहती हूँ दूसरों को क्यों कहते हो दिखावा हो गया, अपने जीवन के अंदर झांको कि तुम्हारा जीवन दिखावा हो गया या वास्तव में तुम्हारे अंदर कुछ दिखा है, परमात्मा में यदि तुम्हें दिखा है तो तुम्हारा जीवन एक दिखावा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन एक छलावा नहीं होगा। आज व्यक्ति एक दूसरे को छल रहा है, धोखा दे रहा है, कोई दुकान में धोखा दे रहा है, कोई ऑफिस में धोखा दे रहा है, कोई नौकरी में धोखा दे रहा है, लेकिन अपने आप को कभी भी सब जो भी पद से उतर जाता है वो यही कहता है बेईमानी हो रही है, जब वो पद पर आ जाता है तो बेईमानी खुद करता है, क्योंकि ये धर्म क्षत्रियों का धर्म था, ये सूरवीरों का धर्म था। हम स्वयंभू स्तुत में कई बार पढ़ते हैं कि आपने निर्दयता पूर्वक कर्म शत्रुओं को हराया, उसी में शांतिनाथ स्तुत में पढ़ते हैं कि आप जब
ग्रस्त में थे तो आपने सारे शत्रुओं को नतमस्तक कर दिया था, सारे राजाओं को नम्रीभूत कर दिया था, और आप जब मुनि बने तो आपने सद्गुणों को अपने प्रति नम्रीभूत कर लिया, है ना। आपके प्रति सारे सद्गुण एक साथ आपके चरणों में आ गए थे, लेकिन आप जब केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए तो तीन लोग आपके चरणों में नम्रीभूत हो गया। क्योंकि लोग अकड़ से नहीं, लोग पकड़ से नहीं, लोग जकड़ से नहीं धर्म को पा सकते हैं, पा सकते हैं तो झुकने की कला से पा सकते हैं। पहले हमें बच्चे को शुरू से लेकर आखिरी तक झुकना सिखाया जाता था, आज अकड़ सिखाते हैं। लेकिन किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। रोज बोलते हैं लोग कि क्रोध महा विश्वरूप करें नीच गति जगत में। अब तुम देखो तुम्हें क्रोध आता है या नहीं, तुम्हारे क्रोध का कोई स्तर नहीं रहा, कब आ जाए कहाँ आ जाए, पेंसिल पेन खत्म हो जाए, इंक खत्म हो जाए तो तुम्हें क्रोध आ जाता। तुम्हारे क्रोध का भी एक अपना स्तर होना चाहिए, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी पर क्रोध आ जाता है। यदि पेन की इंक खत्म हो जाए तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, मोबाइल की चार्ज खत्म हो जाए तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, जरा सा नमक कम पड़ा हो सब्जी में तो क्रोध आ जाता है, जरा सा तुम्हें कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम अपने आप को सोचना तुम नीच हो या ऊंच हो, क्योंकि जाति आदि से कोई ऊंच नहीं होता है, ना धन संपत्ति से कोई ऊंचा होता है। आप लोग उसे ऊंचा मानते हैं जिसके पास धन संपत्ति हो, मैं कहती हूँ वो ऊंचा नहीं है जिसके पास धन संपत्ति है, जो धन्यता को प्राप्त करता है, जो अपने अंतरंग के गुणों को प्राप्त करता है। वो गुणों को प्राप्त नहीं करना है, गुण तो हैं हमारे अंदर मौजूद, लेकिन जो नकारात्मक शक्तियाँ बाहर से आई हैं, लोगों के द्वारा आई हैं, भ्रांति के द्वारा आई हैं, उसे हमने अपना लिया है। हम बच्चों को, यदि बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, हम उन पर हंसते हैं कि देखो बच्चे हैं ना समझ हैं, तुम भी क्या इससे कम हो। कभी विचार करके देखना, तुम भी खिलौनों के लिए रो रहे हो, मकान है, दुकान है, रिश्ते हैं, कौन किसके साथ जाता है, कहाँ तक जाता है, कभी विचार किया? कोई कहीं तक साथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसी भ्रांति है कि कोई दुख देगा, कोई सुख देगा, जबकि तुमने किसी से सुख बांध रखा है इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। यदि तुम चाहोगे कि तुम्हारे सुख तुम्हें मिले तो दूसरों की भ्रांति छोड़ दो। क्योंकि लाओसे से किसी ने कहा था कि हम सम्मान देंगे, उसने कहा जब से मैंने अपमान छोड़ दिया तब से मुझे सम्मान नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि हमें फलाना बहुत सम्मान देता है, लेकिन जो सम्मान देता है वो तुम्हारे अपमान की लगाम को अपने हाथ में रखता है। तुम उससे इतने डरते हो कि अभी तक सम्मान दे रहा था कहीं अपमान ना कर दे, इसलिए तुम उससे बड़े मिलकर चलते हो, उसकी खुशामत करते हो, उसको गिफ्ट देते हो, उसको पैसे देते हो। क्योंकि नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग इतनी भीड़ जुड़ती नहीं है, वो जोड़ लेते हैं। एक नेता को कोई 100 मालाएँ पहनाई गई और फिर भी नेता क्रोध में था। उसका पीए था जो नेता का, उसने कहा कि सर इतनी मालाएं डली हैं, क्या बात है आप फिर भी क्रोधित हैं। उसने कहा 110 के पैसे दे रखे थे, मात्र 100 मालाएं डली हैं। आप सोच सकते हैं, आप मालाएं सम्मान खुशामत तारीफें भी लोगों से करा लेते हैं, क्योंकि आपको झूठी तारीफ की आदत पड़ी है, आपको झूठी वाह वाह की आदत पड़ी है। क्योंकि जहाँ चाहे जाती है वहाँ जो रह जाता है वो वाह वाह रह जाता है। आप अपने जीवन में यदि सच्ची वाह वाह चाहते हैं, अपने जीवन को बादशाह की तरह जीना चाहते हैं, तो दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। दूसरों से ये मत सोचिए कि वो आपको क्या देगा, क्या देगा, दुनिया एक भिखारिन है, कौन किसको दे सका है। आज तक हर सम्राट यहाँ पर भिखारी ही मरता है, सिर्फ जो भिखारी हो जाता है, जो भिक्षा पात्र ग्रहण कर लेता है, जो भिक्षु हो जाता है, जो द्विज हो जाता है, वही सम्राट होकर मरता है। क्योंकि सम्राट की संपदा भी उसके चरणों में झुकती है। अभी तो जो संपत्ति तुमने जोड़ रखी है वो ठीकरे हैं, वो कागज के नोट, एक दिया सलाई लगेगी तो सब राख हो जाएंगे। तुम्हारी साख भी मरने के बाद लोग तुम्हें शमशान ले जाएंगे। जिन्होंने जीवन भर सत्य नहीं सुनाया वो मरने के बाद तुम्हें सत्य सुनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। मैंने कहा यदि जीवन में तुमने इस सत्य को अपना लिया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य,
तो जीवन में सत्य आ जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212-0010-11-772-77, IFSC PUN B00212-00। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अफसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ तीन चार गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी, अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।